आप सबको नमस्कार। चार बज चुके हैं, फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के। आज हम लोग हृदय रोग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न मेरे समक्ष हैं, पहले उनका समाधान कर दिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। आज मनोरंजन साहू जी सबसे पहले उपस्थित हो गए हैं, आपको हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर गुरुप्रीत कौर, इनका प्रश्न है, महायोगराज गुगुलु और एकांग वीर रस अगर दोनों देते हैं तो क्या बीपी बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये देख लें कि बीपी पहले से यदि बढ़ा हुआ हो तो बीपी की भी दवाई इसमें ऐड कर दें, जैसे सर्वगंधा बट्टी है, अबाना टेबलेट, वो ऐड कर दें। लेकिन अगर बीपी पेशेंट को नहीं है तो सिर्फ महायोगराज गुल और एकांग वीर के खाने से ब्लड प्रेशर कदापि नहीं बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए। डॉक्टर संदीप सिंह रावत, इन्होंने फूट ड्रॉप के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। फूट ड्रॉप को ड्रॉप फूट भी कहते हैं। कभी कभी पैरों के फ्रंट पार्ट को उठाने में कष्ट होने लगता है, इसे ही फूट ड्रॉप्स कहा जाता है। जब मसल्स में, पैरों के मसल्स में पैरालिसिस हो जाए या वीकनेस किसी कारण से हो जाए तो ये फूट ड्रॉप नामक रोग उत्पन्न हो सकता है। ये ज़्यादातर नर्व इंजरी से या कंप्रेशन ऑफ नर्व इन लेग, कंप्रेशन किसी भी प्रकार का लेग में हो तो भी फूट ड्रॉप के लक्षण मिलने चालू हो जाते हैं। इसमें काफ़ी वेदना होती है, इसलिए रात्रि में दशांग लेप लगा दें। दशांग लेप कभी 20 ग्राम, आधा कप पानी, 2 चम्मच सरसों तेल और इसका लेप तैयार करके लगाएं। इसके अलावा लाक्षादि गुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ, और पिपली चूर्ण जो वेदना के लिए बहुत अच्छा है, 1/2 चम्मच सुबह 1/2 चम्मच शाम को इसका सेवन कराएं। सहचर तेल, बिजगर्भ तेल, सेवाह अभ्यंग, और यदि पत्रपिंड श्वेत करा दें तो रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। महारासनादिक्वात 20 ml 20 ml पानी मिला के भोजन के बाद दें। मल प्रवृत्ति ठीक हो रही है इसको जरूर ध्यान में देवें, अन्यथा रात्रि में हल्का माइल्ड परगेटे और छोटी हरड़ चूर्ण या एरन भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम दे दें ताकि मोशन पेशेंट में ठीक रहे। और अनावश्यक रूप से चोट ना पहुंचे फुट में, पैर में, जैसे आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं या सीढ़ियाँ से उतरते हैं तो सावधानी आपको बरतना चाहिए। डॉक्टर अक्षरा मेहता, डॉक्टर अक्षरा मेहता ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है कि एक रोगी है जिसका कभी बीपी बढ़ जाता है और कभी बीपी कम हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट का निरंतर प्रतिदिन या प्रति दूसरे दिन ब्लड प्रेशर आप लेते रहें, उस अनुसार से इसको मैनेज करें। या हो सकता है पेशेंट एंग्जाइटी का हो या कोई मानसिक कारण हो, इसकी वजह से ऐसा वेरिएशन मिल सकता है। ऐसे पेशेंट में नित्य प्रतिदिन ब्लड प्रेशर लेते हुए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर वैशाली चिपलंकर, उनका कोई पेशेंट है, हैवी मेंसेस होता है 15 दिन, हैवी मेंसेस होता है और 15 दिन में ही दोबारा मेंसेस चालू हो जाता है, इसके माने हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी ऐसे लक्षण मिलते हैं अगर उसकी एज ज़्यादा है,
और अगर एज कम है तो निश्चित रूप से हार्मोनल इम्बेलेंस ऐसे पेशेंट में हो सकता है। उसके लिए दीर्घकाल तक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। इसमें उष्यानुग चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार लगातार दें। कुमारी आसो 20 ml पानी भोजन के बाद। एलोवेरा जूस 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। इसके बाद यदि अधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो नाग केसर चूर्ण 2.5 पुष्प चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार या टैबलेट स्टिप्लॉन 2-2 गोली दिन में 3 बार अथवा पोसेक्स कैप्सूल 2-2 कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार आप सेवन करा सकते हैं ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो। और ये ट्रीटमेंट लगभग 3 माह तक देना चाहिए। साथ साथ में हैवी मटेरियल उठाना, ज़्यादा चलना, सीढ़ियाँ को ज़्यादा उतरना उस समय जब एमसी हो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और हार्मोन्स का टेस्ट भी आप करा लें, तदनुसार भी मैनेजमेंट करने का प्रयास करें। डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी जी, इन्होंने सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के बारे में पूछा है। इनका प्रश्न कल उपस्थित हुआ था, बहुत विस्तृत रूप से मैंने उत्तर दिया था, शायद इन्होंने सुना नहीं होगा तो फिर से मैं थोड़ा से बताना चाहूँगा। यह एक प्रकार का वेजोमोटर डिस्टरबेंस है। इसमें एट्रोफी, फाइब्रोसिस स्किन में हो जाता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री ट्रैक्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी भी इसके कारण इफेक्टेड हो जाती है। और निश्चित रूप से इम्यूनोलॉजिकल डिस्टरबेंस प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट में संशोधन कराएं। वमन विरेचन, अनुवासन आस्थापन, अनुवासन सहचर वस्ति की और आस्थापन वस्ति एरन मूल आदि तेल की आस्थापन वस्ति देवें कम से कम 15-16। जब पूर्व संशोधन पेशेंट का हो जाए तब रसायन औषधियों का सेवन कराएं। आमल की रसायन, ब्रह्म रसायन 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। इसके अलावा मेध रसायन क्वाथ, इसमें शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी इनका काढ़ा देवे मेध रसायन के रूप में। ब्राह्मी अवलेह का भी इसमें प्रयोग करें। रस औषधियों में सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है, ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग कराएं। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद भी उपस्थित हो गए हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश ठाकुर, इन्होंने एकल औषधियों पर लेक्चर लेने के लिए कहा है, आगे देखेंगे इसके लिए भी। डॉक्टर निर्मला स्वार जो संभवतः नेपाल से हैं, इन्होंने एक रिकरेंट ऑप्थस अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है कि बार बार मुख में ऐसे अल्सर हो जाते हैं, मुख के अंदर या गम्स के बेस में छोटे छोटे शैलो सोर उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत दर्द होता है तथा खाने पीने में, बोलने में कठिनाई होती है। ये कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं लेकिन कभी कभी रोगी को कष्ट देते हैं। ऐसी अवस्था में ये समझ लें कि ऐसे व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। मुख में यदि छाले हो जाएं या इस प्रकार के ब्राउन पैचेज उत्पन्न हो जाएं तो एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी होता है।
तो त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करा दें और विधिवत विरेचन करा दें। विरेचन के बाद फिर गंडूस की चिकित्सा करें या साथ साथ में भी गंडूस कर सकते हैं। गंडूस के लिए षडंग पानी से सिद्धित दुग्ध का गंडूस करें, जात्यादि घृत का एक सप्ताह करें, फिर पंचवलकल का एक सप्ताह, ऐसे तीन सात सात दिन के कोर्स करें। इससे रोगी को अब बहुत आराम होता है। अगर चमेली के पत्र मिल जाए, चमेली के पत्र उनको भी आप चबाएं, बारीक तो चबाएं, मुंह में थोड़ा सा धारण करें और बाद में उसको निकाल दें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी दो दो गोली दिन में दो बार, पंचनिम्ब बट्टी दो सुबह दो शाम को, और हरिद्राखंड 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन आप कराएं। इससे निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर धीरज कुमार, इन्होंने कहा है गौमूत्र स्वयं संग्रह करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो यदि आपके पास गोधन है, गाय है, या जिसका मूत्र आप कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप निश्चित समझिए जब आप दूध दोहने लगते हैं तब पेशाब निश्चित रूप से होता है। तो ऐसी जगह या ऐसी प्लेस में जिनके पास गाय भैंस हैं, दूध दोहते हैं, जब दूध दोहते हैं तो यूरिन गाय या भैंस करती है, उस समय आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप स्वयं जाएं लेकिन संबंधित व्यक्ति को कह दें कि भाई जब आप दूध दुहें तो ध्यान रखें अगर यूरिन निकलता है तो उसको कलेक्ट कर लें। इस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली कवाड़े ने पूछा है यूटराइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट। यूटराइन फाइब्रॉइड ये यूटरस में हो जाता है और कई बार इसमें अत्यधिक वेदना होती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन यदि छोटे प्रमाण के हों तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। जब ये बड़े हो जाते हैं तो मेंसेस में बहुत ही तकलीफ हो सकती है। इसमें सबसे पहले विरेचन कराएं, त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करके विरेचन करा दें। इसमें शोथग्न बस्ती देवे, तृण पंचमूल क्वात, वरुणादि क्वात 50-50 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लें और इसमें त्रिफला घृत 50 ml और शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम मिला करके बस्ती 16 बस्ती का कोर्स दें। आवश्यकता पड़ने पर सहचर तैल या नारायण तड़ की बस्ती आप दे सकते हैं। इसके अलावा वायविडंग, त्रिफला और गिलोय इसका चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। कांचनादि गुगुलू, गोक्षुरादि गुगुलू दो दो गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे भी रोगी को आराम मिलेगा। ये लगभग 2 या 3 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें निश्चित रूप से आराम होगा। दूसरा उन्होंने पूछा है मेलेस्मा, ये ब्राउन पैचेस हैं जो कि फेस में हो जाते हैं और ये निश्चित रूप से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, सन एक्सपोजर से भी ऐसे पैचेस, ब्राउन पैचेस चेहरे में हो जाते हैं। अगर ये क्रॉनिक अवस्था में है तो निश्चित रूप से इसमें पहले आप विरेचन कराएं, विरेचन करने के पश्चात फिर आप संसर्जन क्रम करने के बाद आप दवाइयों का सेवन कराएं। एक लेप मैं बता रहा हूँ, इसको लगाएं। इसमें तगर 10 ग्राम, चारोली 10 ग्राम, गुलाब जल करीब 10 ml, 10 ml के आसपास ग्लिसरीन, ये सब मिला करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। रात्रि में सोते समय जहाँ पैचेस हैं उनको लगाएं, प्रातःकाल इसको गर्म पानी से धो दें। इसके अलावा पंचनिम्ब बटी
दो दो गोली दिन में दो बार, आरोग्यवर्धन ही दो दो गोली दिन में दो बार, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, ये एक एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा महामंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम ये लगातार सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। मंजू भाटिया जी ने त्रिफला घृत 5 ml यदि हम सेवन कराते हैं पेशेंट में तो ये लेखन का काम करेगा कि ब्रह्मण का काम करेगा। तो 5 ml की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक्चुअली ये ब्रह्मण ही कार्य करेगा और 5 ml का डोज ही नहीं होता है। अगर संक्रमण के लिए भी देना है तो कम से कम 20 ml देना पड़ता है, 5 ml में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसी स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से दे रहे हैं तो ठीक है, न तो ज़्यादा ब्रह्मणकारी है और न ज़्यादा ही लेखन करेगा। एक और उनका प्रश्न है, वो समझ में नहीं आया मेरे को, कृपया अगली बार पूछ लें। यामा काम ये क्या है, आपने पूछा है लेकिन मुझे ही नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ है ये। मुझे लगता है ये मलयालम का शब्द है या कोई योग है जो कि साउथ इंडिया में प्रयोग किया जाता है। आप डिटेल बताएंगे तो निश्चित रूप से इसको उत्तर मैं दे सकूंगा। डॉक्टर नीलम शुक्ला, उन्होंने कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, कई बार ऋतु के परिवर्तन के समय ये उत्पन्न हो जाता है। आसपास कोई कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट है तो आपको भी हो सकता है। सुश्रुत ने कहा है, प्रसंगात गात समूह स्पर्शात नहीं स्वाद सह भोजनात् एक सही आसनाश वस्त्र माल्या अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वर सोष नेत्राभिसंदेवचा औपसर्गे रोगान से संक्रामंति नरनरम, इन्फेक्शियस है तो सावधानी बरतना चाहिए पहले। यदि हो ही जाए तो त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन करें प्रतिदिन सुबह और शाम को, और उसके बाद आई टोन एक ड्रॉप आता है उसकी दो दो बूंद दिन में 3-4 बार डालें, साथ में आरोग्यवर्धनी दो गोली सुबह दो गोली शाम लेवें। निश्चित रूप से इससे आपको आराम प्राप्त हो जाएगा। कमलप्रीत धीमान जी ने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट पूछा है। गैस्ट्राइटिस में निश्चित रूप से उदरशूल होता होगा, आधमान, पेट में जलन भी हो सकता है। गैस्ट्राइटिस यदि है इसी को आगे चल करके गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, जिसको हम अन्नद्रोशूल कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में हल्का इसका विरेचन करा दें, पंचतृत घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करा के अमलतास गूदा और त्रिवर्त इन दोनों को 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और कैस्टर ऑयल 30 ml डालकर विरेचन करा दें। इससे पेशेंट को काफ़ी आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें शतावरी, मुलैठी और मंडूर भस्म, शतावरी 50 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम और 10 ग्राम मंडूर भस्म, ये मिला करके एक एक चम्मच दिन में दो बार दूध के साथ इसका सेवन कराएं। रस औषधियों में लक्षणानुसार चिकित्सा करना है। पेट में जलन हो रही हो, गैस बन रही हो तो सूद शेखर रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, शूल गज केसरी 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा का सेवन करें। अगर गैस ज़्यादा बन रही हो तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण 5 ग्राम दिन में दो बार इसका सेवन करें। हिंगोष्ठक चूर्ण भोजन के पहले 1 चम्मच सुबह शाम, और यदि जलन हो रही हो, खट्टी डकार हो रही हो तो अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन 5 ग्राम दिन में दो बार भोजन के आधे घंटे बाद सेवन करें। संध्या पांडे भी उपस्थित हो गई हैं,
वो सुन रही हैं, आपको बहुत ही सादर अभिनंदन। कमलप्रीत धीमान का दूसरा प्रश्न है, क्रॉनिक टाइफाइड का ट्रीटमेंट, ये अक्सर 20-21 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि टाइफाइड ठीक हो जाने के बाद अहित आहार विहार का सेवन करते हैं तो फिर पुनरावर्तक ज्वर के नाम से जाना जाता है और फिर इसको जीर्ण अवस्था हम कह सकते हैं। सामान्यतः टाइफाइड में सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, और यदि फीवर हो, बुखार हो, तो गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, ये मिला करके पेशेंट को 2 या 3 बार इसका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा संशमन बटी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ, अमृतारिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। लेकिन यदि बहुत ही जीर्ण हो गया हो टाइफाइड तो किरात तिक्ता आदि काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीतानी चाभ्यास्यात पुनरावर्तकम धुरा। ये मैंने देखा है किसी भी प्रकार का जीर्ण ज्वर हो, जिसको कई बार हड्डी बुखार भी बोलने लगते हैं, इस काढ़े के देने से ठीक हो जाता है। किरात, चिरायता, कुटकी, मुस्तक, परपट और गिलोय संभाग ले करके काढ़ा देवें, बहुत ही उपयोगी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को, जो समझ में नहीं आता क्यों बुखार आ रहा है, तमाम प्रकार के टेस्ट भी कराए गए, पता नहीं चलता, ऐसी अवस्था में इसको आप सेवन कर सकते हैं। मृदु भी शोधने ही शुद्धि ही यापनो बस्तो हिता हिता से लघो यूसाह जांगल आमिष जार साहा। मृदु शोधन करा के यापन बस्तियों का देने का भी प्रावधान है। दौर्बल्या देह धातु नाम जरो जीर्णानुवर्त्य बल्या संभ्रमणी तस्मात आहारम तम उपाचरित। ऐसे व्यक्ति को बल्य औषधि, पित्तनाशक औषधि भी देना चाहिए, उससे भी रोगी को लाभ मिलता है। कमल प्रीति धीमान का ही प्रश्न है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, अगर ऐसी अवस्था का पेशेंट आ जाए तो एक तो डायग्नोस करना मुश्किल है, एक्यूट रूप से हृदय प्रदेश वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है, इसमें ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो हार्ट के मसल्स को होती है वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती, और जिसके बाद इसके लिए मसल्स में रक्ताल्पता हो जाती है और भयंकर वेदना होती है, ऐसी अवस्था में तो आईसीयू में ही भर्ती करना चाहिए। लेकिन एक क्रॉनिक स्वरूप का हो जाए तब आप इसमें हृदयवस्थि दशमूल तेल से करें, हृदय धारा भी आप दशमूल तेल से करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार या 4 बार शहद के साथ इसको चटाएं। इसके अलावा एक योग जो मैं हमेशा हृदय रोग के लिए बताता हूँ, हरिद्की, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी और पुष्करमूल और अर्जुन मिला दीजिए। हरिद्की, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, शटी, पुष्करमूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम, ये बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग करें। वेदना अत्यधिक हो तो उसमें योगेंद्र रस, वातकुलांतक और नागार्जुनाभ्र रस, योगेंद्र 60 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ्र रस 250 मिलीग्राम, शूल गज केसरी 125 मिलीग्राम, ये मिलाकर के दिन में 3-4 बार सहज चटाएं, और साथ में लहसुन सुरस और अदरक सुरस 1-1 चम्मच दोनों मिला लें और 1 चम्मच शहद मिलावें, इसका भी लाभ बहुत होता है, जिसके कारण अवरोध होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फैटी सब्सटेंस जब शरीर में बढ़ जाते हैं उसके कारण कॉरोनरी जो आर्टरीज हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं होती है और फलस्वरूप इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
आइए मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर शलेश भलाला, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, उषा तभानी, डॉक्टर रेखा वर्मा, गुरुप्रीत कौर, मुंदाकल वासु सुशील, नीलम शुक्ला जी, पंकज शुक्ला, डॉक्टर रीना शर्मा, डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर आरबी प्रजापति, वैद्य आरबी प्रजापति, माधव मिश्रा जी, मनीष खरे जी, श्रुति त्रिपाठी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, ज्योति बाला डामोर, डॉक्टर विकास महाजन, डॉक्टर वंदना पाठक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे वचनों के लिए, प्रशंसा करने के लिए। लेकिन अति प्रशंसा सुनना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अच्छे वचन कहे मेरे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा, कौशल पंचाल, अर्चना वर्मा जी, मुकम्बिका रचना जी, लाल लीलाधर साहू जी, विजय सैनी जी, डॉक्टर सविता पटेल, सुनील कट्टी जी, सुनील रातुरी जी, सुखमंत मिश्रा जी, अरुण शर्मा जी, परेश मानीय, सुकुमार जोशी जी, विकास महाजन, डॉक्टर रेखा वर्मा, आनंद मिश्रा, डॉक्टर सोनल पटेल, के एन गांगवार, आयुष दर्पण के कर्ता धर्ता, इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर नवीन जोशी, संतोष सिंह, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर माथुर जी, अल्पना माथुर, ब्रजेश गंगवार जी, ऐसे सुधी चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को देखते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। आज हम हार्ट डिसीज, हृदयरोग के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में जो हृदयरोग का वर्णन है वो एंजाइना, जो एंजाइना पेक्टोरिस है, इससे मिलता जुलता है। लेकिन जो अन्य वाल्वर डिसीज होती हैं, जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका स्पष्ट निर्देश यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में हृदय रोगों का वर्णन तो सामान्यतः मिलता है। सुश्रुत ने एक साथ हार्ट डिसीज का वर्णन किया है, जबकि चरक ने सूत्र स्थान 17, सूत्र स्थान 26 और सिद्धि स्थान 9, विभिन्न जगहों में इसका वर्णन उपलब्ध होता है। और जैसे कि मैंने पहला कहा आपको कि सामान्यतः जो एंजाइना के लक्षण मिलते हैं उससे मिलते जुलते लक्षण इसमें कहे गए हैं। साधक पित्त, अवलंबक और ब्यान वायु, ये हृदयाश्रित होकर के हृदय की सामान्य क्रिया को संचालित करते हैं। साधक पित्त, अवलंबक, कफ और ब्यान वायु, ये हृदय को कंट्रोल करते हैं, हृदय को नियमित करते हैं। आयुर्वेद में जो निदान बताए गए हैं उसमें अति व्यायाम करना, तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन करना, अति विरेचन हो जाए, अति वस्ती, वस्ती की मात्रा या शोधन वस्ती ज़्यादा मात्रा में हो जाए, इसके अलावा मानसिक चिंता, भय, त्रास, रोग की समुचित चिकित्सा न करना, अत्यधिक वमन हो जाना, आम दोष की उपस्थिति, वेगावरोध बार बार करते रहना,
क्रश करने वाले आहार विहार का निरंतर सेवन करना, हृदय या शरीर में चोट आ जाए उससे भी हृदय विकार हो सकता है। व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक वस्ति चिंता भय त्रास गदादि चारण छर्द्याम संधारण कृष्णानि हृदय कर्तण तथा विघाता, ये निदान हृदय रोग के चरक ने बताए हैं। संप्राप्ति पैथोजेनेसिस, कैसे ये रोग उत्पन्न होता है, तो जो उपरोक्त कारण का उल्लेख किया उनके अत्यधिक मात्रा में सेवित करने से वातादि दोष प्रकोपित होकर के हृदय में स्थित होकर रस धातु को दूषित करते हैं और इससे हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह है संप्राप्ति, यानी जो रस धातु है उसको त्रिदोष दूषित करते हैं और हृदय के कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं। दूषित्वा रसम दोषाः विगुणा हृदय गताः हृदय बाधा प्रकुरंते हृदय रोगम तद उच्यते। इसके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, हार्ट डिसीज चाहे वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या और कोई व्याधि हो, लक्षण तो जो आयुर्वेद में दिए हैं वही लक्षण उनमें प्राप्त होते हैं। जैसे विवर्णता, मूर्छाना, ज्वर, कास और हिक्का, श्वास, मुख विरसता, मुख में जो विरसता आ जाए यानी स्वाद ही ना अच्छा आपको लगे, किसी कोई खाए और आपको स्वाद ही पता ना चले। इसके अलावा तृष्णा, मोह, वमन या कफोत्क्लेश होना, वेदना, अरुचि, ऐसे लक्षण मिलते हैं। वैवर्ण मूर्छा ज्वर कास हिक्का श्वासस्य वैरस्य तृषा प्रमोहः छर्देह कफोत्क्लेश रुजो अरुचिश्च हृदय रोग जास्यु विविधा स्थितान्ये, ये आयुर्वेद में संप्राप्ति के रूप में और लक्षणों के रूप में वर्णन उपलब्ध है। भेद, इसके वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ऐसे पांच भेद बताएं। सुश्रुत ने चार ही भेद बताएं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज में ही कृमिज रोगों का अंतर्भाव कर लिया गया है। अब चूंकि दोषानुसार चिकित्सा करना है तो थोड़ा लक्षणों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो अगर वातज हृदय रोग है तो इसमें हृदय प्रदेश में शून्यता की अनुभूति, द्रवता, शुष्कता, ऐसा अनुभव करेगा कि हृदय में एकदम शून्य हो गया है, शुष्क हो गया है, सूजन आ गई है। और भेदनवत पीड़ा, हृत शून्य भाव द्रवशोष भेद स्तंभा समोहा पौनाद विशेषाहा, ये लक्षण मिलते हैं। पैतृक हृदय रोग में आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, दाह, मोह, तृषा, ज्वर, शरीर का पीला पड़ जाना, पीत, हृत शून्य भाव दर्शोष भेद स्तंभा समोह पौनाद विशेषा, पित्तात तमोदूयन मोहदाह संतरास ताप ज्वर पीत भावाह। और कफज का है स्तंभम गुरुश्यादिस्तमितम च कर्म कफ प्रशय का ज्वर कास तंद्राह, कफज में जकड़ाहट हृदय प्रदेश में भारी स्तंभित हो जाना, मुख में प्रशय काना, ज्वर, कास और तंद्रा, ऐसे लक्षण कफज हृदय रोग में होते हैं। यदि कृमिज रोग है, कृमिज हृदय रोग है तो तीव्र वेदना होती है, तोद होता है और हृदय प्रदेश में कंडू की अनुभूति होती है। त्रिदोषे तु हृदय रोग यो दुरात्मा ने सेवते तिलक क्षीर गुणादी ने ग्रंथिश्चा अशुभ जायते मरमई के देशे संकले दम रसस्य अशुभ गच्छति संक्लेदात क्रमेयस्य भवन्तोपहत आत्मनाः, संक्लेदात क्रमेयस्य भवन्तोपहत आत्मनाः, मर्मई के देश संजाताः सर्पंतो भक्ष्यन्ति सा, ये इसकी संप्राप्ति लक्षण है। तिल, गुण, पिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करने से कृमिज हृदय रोग कहा गया है। इसको हम वॉल्वुलर डिसऑर्डर से तुलना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य लक्षण इसमें है तीव्र वेदना। तोद, जैसे कोई स्क्रू आप छाती में करते हैं वैसा तोद लक्षण उत्पन्न होता है, और कंडू, ये लक्षण इसमें मुख्य रूप से होते हैं। अगर समय पर आपने चिकित्सा नहीं की तो इसके उपद्रव भी हो सकते हैं। उपद्रव में क्लम, अवसाद,
भ्रम, शोष और मृत्यु तक भी हो सकती है। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले निदानम परिवर्जन, सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जन, निदान का परिवर्जन करें। रेस्ट, हार्ट डिजीज में आराम की बहुत आवश्यकता है। और खान पान में नियंत्रण, कार्बोहाइड्रेट, फैटी सब्सटेंस, नमक वाला खाना, तला मला, फास्ट फूड, भजिए आदि, बेसन बैदा की चीज़ें, इनको बिल्कुल न दें पेशेंट को। और दोष के जो लक्षण मिले उसके हिसाब से चिकित्सा करें। अगर वातज हृदय रोग है तो इसमें दशमूल आदि या मूर्छित तिल तेल से अभ्यंग कराएं। और इसमें हल्का से आभ्यंतर स्नेह पान, ज़्यादा मात्रा में जैसे त्रिफला घर 10 ml ट्वाइस ए डे, खाली पेट में जब भूख लगे तब आप इसको सेवन कराएं तो वातज वात का शमन होगा। वमन में लघु वमन कराया जाता है। वमन कराने से दोष के जो अवरोध हैं वो खत्म होते हैं। इसमें दशमूल क्वाथ आप 100 ml बना लीजिए। इसमें सरसप 10 ग्राम और सेंधो 10 ग्राम, इनको मिला करके वमन कराएं। ये सद्या वमन है। इसमें बरोबर आभ्यंतर स्नेह पान देने की आवश्यकता, सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आवश्यक नहीं है। खाली पेट में प्रातःकाल आप वमन करा सकते हैं। और साथ साथ में जब पैतृक लक्षण आपको मिले तो उसमें षडंग पानी है पिलाएं उसको पेशेंट को, और उसका परिषेक भी करें हृदय प्रदेश में, बहुत आराम मिलता है। और मृदु विरेचन कराएं। मृदु विरेचन जैसे अमलतास से, त्रिव्रत से आप विरेचन करा दें। इसके अलावा बहुत दर्द हो रहा हो तो मुलैठी, कुटकी और मिश्री बराबर मात्रा में 5-5 ग्राम ले लें और इसको 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पेशेंट को खिलाएं। इससे अनुलोमन होगा और वेदना में शांति होगी। कफज यदि हृदय रोग है तो इसमें वमन कराना है विधिवत, आभ्यंतर स्नेह पान कराने के पश्चात। वमन के लिए वचा, निम्ब कषाय, वचा और निम्ब का कषाय बना लें, काढ़ा बना लें 100 ml, और फिर मदन फल पिपली 12 से 15 ग्राम मिला करके भिगो के रात्रि में रख दें, प्रातःकाल मसलें छाने, और उसमें शहद 20 ml और सेंधो 2.5 से 5 ग्राम मिला के वमन आप कराएं। अगर सन्निपातन लगे, तीनों दोषों के लक्षण उपलब्ध हो तो लंघन, विरेचन और दोषानुसार चिकित्सा करें। जो दोष बढ़ा हुआ हो उसकी चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाते हैं वातज पित्तज कफज क्या है, ऐसे में पुष्कर मूल, भिजौरा, सुंठी, करचूर और हरीतकी और वचा, फिर से मैं बोलता हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काढ़ा है, पुष्कर मूल, भिजौरा नींबू, सुंठी, करचूर, हरीतकी, वचा, इनका काढ़े का सेवन कराएं। काढ़ा इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे अनुलोमन भी होगा और वेदना में शांति भी होगी। शिलाजीत इत्यादि रसायन कल्प, शिलाजीत का रसायन कल्प भी इसमें कराया जाता है। 60 mg से शिलाजीत चालू करिए, बढ़ाते जाइए, जब 1 ग्राम हो जाए उसके बाद घटाते जाइए। ऐसा 2-3 कोर्स करें शिलाजीत रसायन के। इसमें भी हृदय रोग में बहुत ही लाभप्रद ये चिकित्सा है। अगर कृमिज है तो इसमें त्रिफला घर से आभ्यंतर स्नेह पान कराएं और विरेचन कराएं। विरेचन में अमलतास, निशोत और हरण 20-20 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचनार्थ देवें। इसके अलावा कृमिघ्न औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वेडंगादि चूर्ण, पलाश चूर्ण 2.5-2.5 ग्राम दोनों को लेकर के दिन में 2 बार आप देंगे तो इससे कृमियों का नाश होगा।
विडंगारिष्ट और अर्जुनारिष्ट, 2 चम्मच विडंगारिष्ट, 2 चम्मच अर्जुनारिष्ट, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसके अलावा एक योग है जो कि बहुत उपयोगी है, हृदयाणव रस 250 मिलीग्राम, विडंग चूर्ण 2.5 ग्राम और नवाई सलोह 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2-3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। और एक सभी हृदय रोगों में जो लाभप्रद करता है ऐसा योग मैं हमेशा सबको बताता हूँ, चरक का है, इसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ। इसमें हरित की, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, सुंठी, शटी, पुष्कर मूल और अर्जुन छाल। हरित की, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, सटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदरोगनाशनम। इसका चूर्ण, घनबटी या काढ़ा किसी भी प्रकार का प्रयोग आप करें, इससे तुरंत रोगी को आराम प्राप्त होता है। इस काढ़े में थोड़ा सा प्रक्षेप डाल दें, सौंठ, जीरा, वच, अजवाइन, सौंठ, जीरा, वचा, अजवाइन, यवक्षार और सेंधव, ये प्रक्षेप रूप में इस काढ़े में डाल दें तो और इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, मुलैठी, कुटकी और मिश्री बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें या शरबत का तैयार करके शरबत बना के भी इसको पिलाया जा सकता है। दूसरे योग हैं हृदयाणव रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, जवाहर मोहरा पिष्टी 250 मिलीग्राम। ये एक डोज है, दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। दूसरा योग है जो हम प्रयोग करते हैं, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, हृदयाणव रस 250 मिलीग्राम। दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक योग और है जो कि बड़ा उपयोगी है हृदय रोग के लिए, कल्याण सुंदर रस 125 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणव रस 125 मिलीग्राम। इसका प्रयोग दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ कराएं। आसोरिष्ट में 10 मूलारिष्ट और अर्जुनारिष्ट 2-2 चम्मच दोनों को ले लें, 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच पानी डाल के भोजन के बाद दोनों टाइम लेवें। बटियों में प्रभाकर बटी बहुत ही उपयोगी है, 2-2 गोली दिन में 3 बार दें, 2 बार, इससे भी हृदय रोग में लाभ पहुंचता है। और यदि गैस ज़्यादा हो रही हो, कई बार गैस के कारण, मैंने उदावर्त के रोग में बताया था आपको, उदावर्त जब अपानवायु ऊपर चढ़ती है और हृदय को दबाव उत्पन्न करती है तो लगता है हृदय रोग हो गया है, वो उदावर्त। ऐसी स्थिति में हिंगोष्टक चूर्ण और सेवक क्षार पाचन चूर्ण 2.5 ग्राम हिंगोष्टक और सेवक क्षार पाचन चूर्ण 2.5 ग्राम दोनों को मिला करके कुनकुने पानी के साथ, इसमें थोड़ा बिजौरा नींबू भी मिला दें और फिर लेवे तो इसका लाभ अधिक हो जाता है। इस तरीके से कुछ चिकित्सा जो मेरी अनुभूति है, जो मैंने किया है अपने जीवन में, मैंने आपको बताया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, कल फिर हम 4 बजे उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और जय आयुर्वेद।